हाय दोस्तों, 2BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है जिसका मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। प्रोजेक्ट का नाम है डेल्टा वृंदावन। डेल्टा वृंदावन ये बना हुआ है बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, महाजनवाड़ी मीरा रोड में ये लगता है, बिल्कुल दहीसर चेकनगर के पास में है। यहां से आपको हाईवे वॉकिंग मुश्किल से 20 सेकंड का रास्ता है, तो प्रॉपर हाईवे पे ही है। अब इसका डिटेल मैं बताऊंगा, पहले आप फ्लैट देख लें कि किस टाइप का प्रॉपर्टी है, कहां पे लोकेटेड है, क्या इसका एलिवेशन है, क्या इसका एंट्रेंस लॉबी एग्जिट वगैरह देख लें। आज इसी डेल्टा वृंदावन की बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए देखते हैं किस टाइप का ये प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर मैं इन डिटेल आपको बताता हूं कि कहां लोकेटेड है, क्या इसकी कनेक्टिविटी फैसिलिटी है, साइजिंग प्राइसिंग सब बात करूंगा मैं। अब डेल्टा वृंदावन की आप देख लें, ये मेन रोड से यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल सामने ही है। ये जो आप बिल्डिंग खड़ी है उसके जस्ट बाजू में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और ये बाहर से बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन है डेल्टा वृंदावन का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका एंट्रेंस दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका मेन एंट्रेंस है, अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं किस टाइप का बिल्डिंग बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत इन एंड आउट का एंट्रेंस बनाया है इन्होंने, एक बेसमेंट में जाने के लिए और एक फर्स्ट लेवल पे जो पोडियम पार्किंग है उस पे जाने के लिए। और ये फर्स्ट लेवल पे हम पोडियम पार्किंग पे पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है, बच्चों के लिए गार्डन, किड्स प्ले एरिया और सीनियर सिटीजन के लिए सिटिंग एरिया दिया हुआ है। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, बहुत ही सिक्योर थम सिक्योरिटी के साथ में है। और डेल्टा ने यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन डेवलप किया है दोस्तों, काफी बढ़िया बनाया है, खूबसूरत इटालियन मार्बल और ग्रेनाइट में काम किया है, बीटीफाइड टाइल्स में काम किया है इन्होंने। अब मैं फ्लैट दिखाता हूं आपको किस टाइप का है, फ्लैट देखते हैं इनका। ये इसका सेफ्टी डोर है, अंदर उसका मेन डोर है। इसकी एक खूबसूरत बात यह है कि हर एक बेडरूम और हॉल में सब जगह इनका बालकनी दिया हुआ है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, इसमें डाइनिंग को सेपरेट किया हुआ है, लिविंग एरिया को सेपरेट किया हुआ है। करीबन 3 से 4 फुट की इसकी बड़ी बालकनी है, आप देख सकते हैं 3 फुट के आसपास, 2.5 फुट के आसपास। ये मैं पूरा बालकनी आपको दिखा रहा हूँ, और सामने रोड का व्यू है इसका। ये आपको बाहर एग्जिट का व्यू है इसका, हॉल के विंडो का। और नीचे का एमिनिटीज का फर्स्ट फ्लोर पे जो ओपन स्पेस है उसका व्यू है। अब चलते हैं, मैं आपको किचन दिखाता हूं इसका किस टाइप का, ओपन किचन का कंसेप्ट है। एंट्री करते के पहले ही आपको फ्रिज मिल रहा है, डबल डोर का फ्रिज रखा है इन्होंने। मॉड्यूलर किचन, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और बाहर वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है। बालकनी है तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि किचन के बाहर ज्यादातर वॉशिंग मशीन के लिए ही यूज होता है जगह। और मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूं, ये इसका कॉमन वॉशरूम है।
और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, कॉमन वॉशरूम के बगल में एक वॉश बेसिन का जगह सेपरेट दिया हुआ है, यहाँ आप बड़ा मिरर लगा सकते हैं। और इसके आगे बढ़ते ही कॉमन बेडरूम मिलता है आपको। बेडरूम को इन्होंने सामान अपने हिसाब से रखा है, आप देखें तो काफी बड़ा स्पेसियस बेडरूम है, बट सामान थोड़े नीचे बिखरे हुए हैं, इसके लिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूं मैं। और सामने इन्होंने जो इनका जो व्यू है, सामने रोड का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत ईस्ट फेसिंग व्यू है, पर पता नहीं किसी कारण के वजह से इन्होंने कर्टन लगा रखा है। हमने बोला इनको हटाने के लिए, लेकिन कुछ इनकी मान्यता है उसके बेस पे, लेकिन इसका व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है, आप फ्लैट लेंगे तो आप समझ पाएंगे। सामने रोड का व्यू है इसका। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मास्टर बेडरूम, दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंट्री जब आप करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल जाता है। प्रॉपर डेल्टा वाले का काम, बिल्कुल क्वालिटी वर्क करते हैं ये, हर एक जगह ब्रांडेड एसेसरीज प्लम्बिंग में इलेक्ट्रिक में यूटिलाइज करते हैं ये हर एक प्रोजेक्ट में। प्राइजिंग में भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, प्राइजिंग लेते हैं लेकिन पब्लिक को काम, कस्टमर्स को फुली सेटिस्फाइड ऐसे काम करके देते हैं, कस्टमर इनसे फुली सेटिस्फाइड रहते हैं हर जगह पे। ये तो रीसेल की प्रॉपर्टी है, मैं नई बिल्डिंग की भी बात करूं दोस्तों, नए में भी काफ़ी सारा काम किया है हमने इनके साथ। ये मास्टर बेडरूम में भी करीबन 3 से 4 फुट की बड़ी बालकनी है और सामने भी कुछ ग्रीन कलर का कर्टन्स लगा हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत बाहर का एमिनिटीज का व्यू है। सेम कॉमन बेडरूम से भी इसका नीचे के फर्स्ट फ्लोर का एमिनिटीज का व्यू मिल जाता है। ये आपको विंडो के साइड से मैं दिखा रहा हूँ, सामने वार्डरोब यानी कवर्ड का स्पेस है जहाँ पे इन्होंने कवर्ड रख रखा है। अभी लेके चलता हूँ बाहर की ओर। बाहर में पैसेज दिखाता हूँ आपको, उसके बाद नीचे कुछ एमिनिटीज दिखाता हूँ किस टाइप का एमिनिटीज बनाया है इन्होंने। ये इसका पैसेज है, वैसे तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मैंने पैसेज दिखाया है, फिर भी आप जो फ्लैट के बाहर का पैसेज रहता है, ग्राउंड फ्लोर का रहता है, दोनों अलग अलग रहता है, तो ये आप फ्लैट के बाहर का पैसेज देख लें। कभी आपको सामान शिफ्टिंग करना हो या कुछ ऐसा काम करना हो तो उसमें कैसा आपका क्राइटेरिया रहेगा वो आपको समझ में आएगा। सारे हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, डिटेल बताऊंगा जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसका फ्लैट कितने माले पे, एक एक माले पे कितने लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, फ्लैट्स है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये इसका स्टेयरकेस है, दूसरा सीढ़ी है ये। पार्किंग है ये जो बेसमेंट लेवल पे पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पे तो इसका एंट्रेंस लॉबी है और ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग बनाया है इन्होंने वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी बढ़िया एक स्पेस कवर किया है बेसमेंट का पार्किंग का। ये पूरे बाइक पार्किंग का जगह है। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर की एमिनिटीज दिखाता हूँ किस टाइप का है। क्लब हाउस है, वहाँ पे किड्स प्ले एरिया है बच्चों को खेलने के लिए, सीनियर सिटीजन एरिया है। और ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये इसका मीटिंग रूम है, छोटा इन्होंने बनाया है, गेम बच्चों के लिए कैरम वगैरह डाला है। कुछ चीज़ें अभी दोपहर के टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ तो कुछ एमिनिटीज बंद है अभी, फिर भी मैं जितना बेहतर आपको दिखा सकता हूँ घर बैठे आप देख लें, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद हमें फोन करें। इसमें 4 से 5 फ्लैट सेल करने के लिए है, 1 BHK की प्रॉपर्टी इसमें सेल करने के लिए, वो भी 75 लाख 74 लाख 78 लाख में फुल्ली फर्निश्ड अनफर्निश्ड मेरे पास अवेलेबल है। 1 BHK भी अगर आपको चाहिए तो भी आपको इसमें मिल जाएगा, 2 BHK भी चाहिए तो मैं 2 BHK तो आपको दिखाया ही, 2 BHK में भी 4 से 5 फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए।
ये इसका बच्चों को खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया। काफी बढ़िया डिजाइन इन्होंने दिया है, थीम दिया है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये इसका काफी बढ़िया ओपन स्पेस है और सामने ये क्लब हाउस है जिसमें जिमनाशियम आने वाला है, बैंक्वेट हॉल टाइप का भी है। ये इसका बैंक्वेट हॉल है। अभी इसको ये बैंक्वेट भी रख सकते हैं या जिम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिपेंड करता है सोसाइटीज और बिल्डर के ऊपर। अब ये इसका पूरा एलिवेशन है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग का। बच्चों का किड्स प्ले एरिया है ये, एक टाइप का बेबी सिटिंग बोल सकते हैं आप। यहाँ पे केयर टेकर भी सोसाइटी ने रखा है, आप अगर जॉब पे जाते हैं तो अपने बच्चे को यहाँ पे रख के जा सकते हैं। ये बच्चों का किड्स एरिया था, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन के साथ। ये थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं उनका गेम के हिसाब से बनाया है इन्होंने। ये मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर का जो होते हुए कैसा इसका एनवायरनमेंट बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये खत्म होने के बाद मैं इसको डिटेल बताऊंगा, उसके बाद फिर हमारी सर्विसेज की बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसका डिटेल। अभी जो डेल्टा वृंदावन का पूरा आपने प्रॉपर्टी देखा, जो मैंने दिखाया 2 BHK का, अब इसका डिटेल आपको बता दूं दोस्तों। 21 माले की बिल्डिंग है, 3 विंग की पूरी सोसाइटी है, 21 स्टोरी टावर है ये। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। ये जो फ्लैट आपने देखा है सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, इसमें कुछ फर्नीचर आपको देके जाएंगे, मिलेगा आपको। मिडिल फ्लोर पे फ्लैट है ये, रोड फेसिंग एंड ईस्ट फेसिंग फ्लैट है और इसमें 1 लेवल बेसमेंट पार्किंग है। ग्राउंड लेवल पे पोडियम, फर्स्ट लेवल पे पोडियम है, सेकंड लेवल से इसका रेसिडेंशियल फ्लैट इसका बना हुआ है। एमिनिटीज इसके फर्स्ट फ्लोर पे है, इसमें OC आ चुका है, बिल्डिंग में BMC वाटर आ चुका है, गैस पाइपलाइन भी रिसीव्ड हो चुका है और ज्यादातर इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। 2 से 3 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग बिल्कुल नई है, सभी बैंकों से अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। वैसे भी डेल्टा वृंदावन वाले का हर एक प्रोजेक्ट का टाइटल बहुत क्लियर रहता है जहां जहां पे लोग डेवलपमेंट करते हैं। इसमें 2 BHK का प्रॉपर्टी है जिसकी कारपेट एरिया लगभग 800 स्क्वायर फुट है और प्राइजिंग 1,20,00,000 रुपया है, जिसमें स्टिल्ट पार्किंग 7 लाख के आसपास का इसमें स्टिल्ट पार्किंग है। और भी इसमें 2 BHK मेरे पास अपर फ्लोर, हायर फ्लोर, लोअर फ्लोर है, जिसमें अगर आप हायर फ्लोर पे लेते हैं तो आपको 130, 128, 1.32 CR ऐसे 3-4 प्रॉपर्टी इसमें सेल करने के लिए है। यहाँ का एक प्लस पॉइंट ये है, यहाँ से आपको अच्छा एक कनेक्टिविटी मिल जाता है, मीरा रोड हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, दोनों के लिए दहीसर स्टेशन जाना हो या मीरा रोड स्टेशन जाना हो, दोनों आपको बहुत कन्वीनियंट मिल जाता है यहाँ से। एमिनिटीज की बात करूं दोस्तों, इसमें क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, जिमनाशियम, बैंक्वेट हॉल, गार्डन, कवर्ड पार्किंग, स्टील पार्किंग, ये सब आपको यहाँ पे, जिमनाशियम जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ये सब चीजें जो डेली जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं, यूज होने वाली चीजें हैं, वो आप जान लें कि यहाँ का कनेक्टिविटी क्या है आसपास का। 2 से 5 मिनट के अंदर आप सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, एन डालमिया स्कूल, एन डालमिया कॉलेज, एसके एकेडमी, शुभ सागर वेज रेस्टोरेंट, व्यक्ति वेदांता हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कश्मीरा जंक्शन, मेट्रो स्टेशन तो बिल्कुल बिल्डिंग के सामने ही है। 10 से 30 मिनट के अंदर आप मीरा रोड रेलवे स्टेशन, भाईंदर रेलवे स्टेशन, दहीसर रेलवे स्टेशन, मैक्सेस मॉल, भाईंदर खाड़ी, सनसेट पॉइंट, डी मार्ट, ठाकुर मॉल, घोड़बंदर रोड, होटल वेस्टर्न, दिल्ली दरबार, GCC क्लब, वर्धमान फैंटासी, 7 वंडर, सूरज वाटर पार्क, नेशनल पार्क, आउटलेट शोरूम में जो बड़े बड़े शोरूम है, ये मुश्किल से आप 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसमें पुमा, एडिडास, रिवॉक, पेंटालून, स्केचर, डीकैथलॉन, ये सब आप मुश्किल से यहाँ से 8 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस से पहुंच जाते हैं। सामने ही आपको ठाकुर मॉल आ जाता है इस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही। अब मुंबई के कुछ फेमस और मशहूर चीजें हैं वो भी उसके बारे, उसकी कनेक्टिविटी के बारे में आप समझ लें, जिसमें 45 टू
मतलब 45 मिनट से डेढ़ घंटे के अंदर आप गोराई बीच, पिलंकनी बीच, एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम, सूरज वाटर पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, माइन स्पेस, आईटी पार्क, गोरेगांव फिल्म सिटी, बरसोवा बीच, जुहू बीच, अंधेरी, मड मारवे बीच, बेंडावर कुर्ला कॉम्प्लेक्स, माउंट मेरी चर्च, बेंडावर्ली सी लिंक, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, लेमिंगटन मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, वानखेड़े स्टेडियम, कोलाबा, एलिफेंटा कैब्स, ये मुंबई की फेमस चीजें हैं, वो सब भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें आप समझ लें। अब मैं आगे आपको सर्विसेज बता देता हूँ कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को रीजनेबल यानी सस्ते में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, उसके क्या आइडियाज है, उसमें कुछ ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें कुछ अर्जेंट सेल या न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में आप हमारे सर्विसेज में समझ लें दोस्तों। तो हमारे सर्विसेज की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। अब मेरे पर्सन आएंगे, सारा काम आपको घर बैठे करके देंगे। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है, ऐसा हमने काफी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है, तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके दोस्तों। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40%, 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता, ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं। अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत रहती है, और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पे डालूं, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सके, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, आप उसमें फायदा कमा सकें दोस्तों। और अगर आप ज्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है, तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में, 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है। जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे शूट करना, स्पीच तैयार करना, डायलॉग्स तैयार करना, फिर हम आपको ये प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर हमारे इस नंबर पर कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजिशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आऊँगा, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।